वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम विकास लाइव के लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले, उसी के साथ फंडामेंटली नंबर्स भी चेक करने वाले और यहाँ पे आप देख सकते कि चार्ट एनालिसिस भी देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते डीप में। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो आज विकास सिक्योरिटी स्टॉक सॉरी विकास लाइव के स्टॉक की बात की जाए तो 3.80 पे यहाँ पे आप देख सकते कि आज ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। मीन्स यहाँ पे 15 पैसे अफ है, 4.11% अफ है, यानी कि आप देख सकते कि अपर सर्किट भी लग चुका है तकरीबन 4.11% का। पिछले कई दिनों में यहाँ पे आप देख सकते गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे विकास लाइव के स्टॉक में, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते उस गिरावट के बाद आज एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले, हल्का सा रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया है उस गिरावट के बाद। मीन्स आज जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते अपर सर्किट लग चुका था तकरीबन यहाँ पे 3.80 लेवल पे, वही पे ही रिसेंटली देखा जाए तो, यानी कि ओपन प्राइस देख सकते हो 3.80 और लो आज का है 3.75 का है और हाई भी देख सकते हो 3.80 जो करंटली यहाँ पे अपर सर्किट पे है। मार्केट कैप देख सकते हो 450 करोड़ की हो चुके है, 500 करोड़ को भी ब्रेकआउट के नीचे आ चुके हैं मार्केट कैप और यहाँ पे पी रेशियो बहुत ही ऊपर का है जो कि 209 का। तो पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में गिरावट बहुत से होने के हो चुकी थी 16% से ज़्यादा, फिर आज यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है और 1 मंथ में तकरीबन 30% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले है विकास लाइव के स्टॉक के अंदर। तो विकास लाइव के चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डाली जाए तो करंटली यहाँ पे चार्ट एनालिसिस भी देख सकते हो, जैसे कि बहुत सी गिरावट देखने को मिली थी। ए मंथ जैसे स्टार्ट हुआ तो गिरावट देखने को मिली, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया और गिरावट देखने को मिली और करंटली 3.70 हमने कल भी बात की थी सपोर्टिव लेवल, वहाँ से बाउंस बैक किया है, पर बाउंस बैक किया है तो एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। ए यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की कैंडल जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोजी से कैंडल फॉर्म हो चुकी है, यानी कि अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस बैक भी होता है तो 4 लेवल पे फिर से जाता है जाएगा तो 4 लेवल यहाँ पे रजिस्टर एक्ट होने के चांसेस दिखाई देंगे, क्योंकि 4 लेवल पहले भी बहुत ही इस बार रजिस्टर एक्ट होती थी और आज भी अभी भी रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो 4 लेवल पे रजिस्टर लगने के चांसेस भी दिखाई देंगे। तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड का भी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर का भी चार्ट यहाँ पे देखोगे तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 लेवल जो इंपॉर्टेंट थी वही पे आके रुका है, अभी रिसेंटली देख सकते हो 4 लेवल के नीचे ट्रेडिंग करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास लाइफ के का यहाँ पे फंडामेंटल नंबर्स भी देखे जाए तो करंटली इस नंबर देख सकते हो मार्केट कैप 423 करोड़ की है, पी रेशियो 34.2 है, बुक वैल्यू नहीं है, पर डिविडेंट यील्ड यहाँ पे नहीं देता है विकास लाइफ के स्टॉक। आरओसी 8% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो -1.53% के, फेस वैल्यू ₹1 का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर देखा जाए तो 29.2 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट जो है 1.81 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और ईपीएस भी 0.02 है। सेल्स कंपनी के 228 करोड़ के हो चुके हैं और टोटल जो एसेट्स है 201 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रोमोटर होल्डिंग 15.00% की है और प्लेस शेयर्स भी देख सकते हो 0 है, मीन्स प्रोमोटर होल्डिंग पहले से कम है यहाँ पे। एक साल में रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो 20.5% का रिटर्न दिया है विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक ने। तो विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक के बाकी के डिटेल देखने के पहले यहाँ पे आप देख सकते कि टिकट ऐप पे यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू में यहाँ पे इंसफिशिएंट डाटा बताया गया है। आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो इंसफिशिएंट डाटा है, पर एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है और एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है ए लेवल पे। नो रेड फ्लैग्स यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक SM/GSM लिस्ट में भी नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक के साथ क्रोज चीज़ें भी देखी जाए, जैसे कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो यहाँ आने वाले 12 महीनों में जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है वो लो रहने के चांसेस है और यहाँ पे क्वालिटी चेक्स की भी बात की जाए तो इनसफिशियंट डाटा है क्वालिटी चेक्स में और ग्रोथ स्कोर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसफिशियंट डाटा बताया गया है, पर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आने वाले 12 महीनों में लो रहेगी और जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 436 करोड़ के, रिस्क देखी जाए तो ये स्टॉक की तो हाई रिस्क में करंटली ये स्टॉक है। तो आज डिफाइन एज यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ भी चेक करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ भी नहीं है कोई, यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास लाइफ के स्टॉक के लिए। होल्डिंग की बात आती है तो होल्डिंग भी चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग में देख सकते हो कि प्रोमोटर होल्डिंग कॉन्स्टेंट है पिछले 6 महीने से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग 15% की है जो कि बहुत ही कम दिखाई दी है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं है यहाँ पे, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी नहीं है, फॉरन इंस्टीट्यूशनल जो है 0.03% है यानी कि बहुत ही कम है। रिटेल एंड अदर पब्लिक होल्डिंग भी देखी जाए तो 84.97% की है यहाँ पे आप देख सकते हो।
तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते बल्ड डील की भी बात की जाए तो रिसेंटली यहाँ पे पिछले 2 महीने में कोई बल्ड डील नहीं हो गई। तकरीबन जाने मन तो अब जनवरी में सेलिंग प्रेशर की वजह से हो चुकी थी तकरीबन बहुत सी बल्ड डील, पर रिसेंटली कोई बल्ड डील नहीं हो गई है विकास लाइफ के स्टॉक में। तो विकास लाइफ के बाकी के डिटेल भी देखे जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरकास्ट रिपोर्ट देखा जाए तो फॉरकास्ट रिपोर्ट में यहाँ पे डाटा अनअवेलेबिलिटी की वजह से कुछ नहीं बताया गया। तो करंटली विकास लाइफ के बाकी के डिटेल देखेंगे, जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रोज में देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे अपना जो डेब्ट एक कर्जा है कम किया है वही यहाँ पे बताया गया है। और प्रो में और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट टू क्वार्टर आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा देगी, यही यहाँ पे बताया। प्रोज के चीज़ें सिर्फ 2 पॉइंट है, पर कॉन्स में यहाँ पे 4 पॉइंट है जो कि भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिया है, मीन्स एवरेजली देखा जाए तो -4.28% का। प्रमोटर होल्डिंग भी लो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% जो कि बहुत ही लो दिखाई दे रहे। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा जाए तो पिछले 3 साल से बहुत ही कम है, एवरेजली देखा जाए तो यहाँ पे 1.36% का है यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी। और कंपनी का जो डेप्टर्स डे भी देखा जाए तो हाई है, 208.91 डेज का यहाँ पे डेप्टर्स डे बताया जा रहा है। पीयर कंपेरिजन में देख सकते हो अदानी एंटरप्राइजेस, रेडिंगटन इंडिया, अच्छे अच्छे कंपनीज इन्वॉल्व है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बाकी के डिटेल जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा जाए तो दिसंबर मार्च 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, फिर भी यहाँ पे नंबर्स देखे जाए दिसंबर क्वार्टर के तो दिसंबर क्वार्टर में नंबर अच्छे आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर से डबल नंबर्स मीन्स डबल नंबर्स से तक आ चुके थे। तकरीबन यहाँ पे सेल्स और एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, आधा इनकम जो थी अच्छी आ गई थी 7.37 करोड़ की, इसके वजह से जो है यहाँ पे प्रॉफिट दिख चुका था विकास लाइफ के स्टॉक में। पर करंटली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आने वाले मार्च क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छे आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे ऑर्डर्स भी मिल चुके थे यहाँ पे विकास लाइफ के यहाँ पे मार्च क्वार्टर में, तो वो नंबर्स अच्छे आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन दिसंबर क्वार्टर के सेल्स जो थे 106 करोड़ के थे, एक्सपेंसेस जो थे 110 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस भी गया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा इनकम जो है वो 7 करोड़ की मिलाने के बाद इंटरेस्ट जो है 25 लाख का और डिप्रिसिएशन जो है 12 लाख का लगा, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 3.87 का है, टैक्स जो है 25.58% का है, नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो 2.88 का है, ईपीएस देखा जाए तो 0.03%। प्रॉफिट एंड लॉस की भी बातें देखी जाए तो टीटीएम में यहाँ पे आप देख रहे हैं इस साल में 228 थर्ड क्वार्टर तक की बात की जाए तो 228 के सेल्स हो चुके थे और एक्सपेंसेस 223 करोड़ के भी हो चुके हैं, जितने सेल्स उतने ही एक्सपेंसेस, प्रॉफिट हो चुका था 6 करोड़ का। फिर आधा इनकम देख सकते हो कि 4 करोड़ के दिखाई दी थी, और बाकी के जो इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन कटने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ का था, टैक्स कटने के बाद जो है 2 करोड़ का रह चुका था इस साल में अभी तक का। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के भी बातें की जाए, जैसे कि शेयर कैपिटल भी देख सकते हो 93 का है, रिजर्व्स देखे जाए तो 33 के, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में रिजर्व्स भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे बोरोइंग देखे जाए तो बोरोइंग भी यहाँ पे 42 से 29 यहाँ पे हो चुकी है, मीन्स यहाँ पे कम हो गई है बोरोइंग। अदर लाइबिलिटीज 46 करोड़ की है, फिक्स एसेट 7 करोड़ की है, CWIP 8 है, 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 16 करोड़ की है, और आधा एसेट 171 करोड़ के। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास लाइफ के स्टॉक के लिए।